काजल रघवानी को बोल रही थी कि बुढ़िया है ढोंडी खोदवाती है। अरे तुम्हारा औकात है रे कि तुम काजल रघवानी बन जाएगी? वो काजल रघवानी है, उसका हिट हिट गाना है भोजपुरी में, एक लेबल पर बैठी है। खुलेआम तुम बोलती हो कि तुम किस सब सो के आई, तो यानी कि तुम भी सो के आई हो? तुम किसी का सर्टिफिकेट दे रही हो क्या? हाँ, कैरेक्टर का, अपना कैरेक्टर जाके देखो कि कहाँ से कोठे से उठ के आई हो। नहीं नहीं सॉरी सॉरी, तुम्हारा हाल तो कोठे वाला ही है, लगता है एक कोठे से ही उठ के आई हो, क्योंकि एक अच्छे घर की लड़कियां का ऐसा चाल चलन नहीं होगा। मुझे बोलती है कि खेसारी मेरे को गाली दी है, तो क्यों खेसारी के साथ सोती हो क्या जो तुमको बताते हैं फोन करके कि मैं उसके साथ ऐसा बोला हूँ, ऐसा किया हूँ? मेरे को तो बहुत मानते हैं खेसारी जी। याद नहीं है कि 6 महीना का छोटू छलिया का बच्चा खत्म की हो? याद नहीं है, भुला गई क्या बेटा? मैडम जी एक बात जानना चाहेंगे, वही आप बेबी काजल है ना जो कि फैक्ट्री मालिक के साथ दिल्ली में मैनेज किए हैं? आप वही बेबी काजल है ना जो नेपाल में चुंटू पांडे के साथ मैनेज किए हैं? आप वही बेबी काजल है ना जो मतलब रितेश पांडे भैया के छोटे वाले भाई के साथ मैनेज की बात आपकी माँ ने खुद किया है? आप वही बेबी काजल है ना जो रोहतास में मतलब आप मैनेज करने के लिए लाइट मैन के साथ तैयार थी? आप वही बेबी काजल है ना जिसका पीला कलर के सूट में वीडियो है? आप सूर्या से सूर्या के पास इसलिए रहती है ना, नहीं तो आपको छोड़ दिया, आपका वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। अरे तो तोरी संस्कार कैसी है यार, मुझे ये नहीं समझ में आता है। अरे मैं ओवर बोल गई है क्या? बोली हो तुम कि हम कोठे पर से आए? चलो मैडम जी मानती हूँ मैं आई हूँ, सपोज दैट कि मैं हूँ, तुम क्या कर रही हो? तुमको हमसे क्या मतलब? आओ ना जी, तुमको भी लेके चले, तुम्हारा शकल भी वैसा ही है कुछ। हम लोग का शकल तो मान लिया जाए मैडम जी खराब है, हम लोग को कोई नहीं पूछेगा, आपका शकल तो अच्छा है। सर 3 साल पहले कैसी लगती थी और अभी कैसी लगती है, तनी शकलवा देखिएगा। हम 3 साल पहले भी इसी तरह लगते थे और 3 साल के बाद इससे बढ़िया लग रहे हैं देखने में, ठीक है ना? आपके तरह मेरा 22-23 साल नहीं हो रहा, अभी 19 साल हुआ है मेरा, ज्यादा नहीं। तो आपके शकल से ज्यादा निखार हमारे शकल पे है।